अब ठीक है ना, यानी कुछ बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और उनके बिना सोशियोलॉजी तो पढ़ी नहीं जा सकती, इसीलिए हम उनको समझते चलेंगे। जैसे कि समुदाय, समिति है ना, संस्था, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम नहीं समझ सकते। अच्छा, जब हम समुदाय की बात करते हैं है ना, एक एक चीज के बारे में बेसिक बेसिक, क्योंकि जो यूनिट 3 है जैसा कि हमने बताया, उसको बिना इन कॉन्सेप्ट्स को समझे, बिना इन कॉन्सेप्ट्स को रटे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि जब हम समुदाय की बात करते हैं तो हम देखें कि समुदाय क्या है। यानी समुदाय एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, हम कहें अगर समुदाय को हम समझें तो समुदाय एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसको कि एक जहां पर एक निश्चित संस्कृति अपनाई जाती है, जहां पर कुछ लोग रहते हैं और वो सभी लोग एक साथ मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। समुदाय कोई कोई भी एक छोटा समूह हो सकता है, कोई भी एक बड़ा समूह हो सकता है ना, जिसके सभी सदस्य किसी एक क्षेत्र में, किसी एक सीमित क्षेत्र में निवास करते हैं और एक साथ मिलजुल करके जीवन यापन करते हैं, परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज जो कम्युनिटी में आती है, सब किसी जो जो कि कम्युनिटी को कम्युनिटी बनाती है, वो उसे हम कहते हैं वी फीलिंग, उसे हम कहते हैं वी फीलिंग, उसे हम कहते हैं वी फीलिंग। अच्छा, वी फीलिंग क्या करती है? वी फीलिंग का मतलब होता है हम की भावना, यानी कि अब हम मैं की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समुदाय, हमारा मोहल्ला, जब हम शब्द की बात करते हैं यानी हम उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, यानी ये हमारा हमारा है, इसके प्रति हम कुछ चेतन होते हैं, इसके प्रति हमारी कुछ भावनाएं होती हैं। तो समुदाय की अगर हम बेसिक विशेषताओं की बात करें तो जो पहली विशेषता हमारे सामने निकल करके आती है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यानी समुदाय की जो पहली बात है वो यहीं से शुरू होगी कि समुदाय का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो परस्पर अपने हितों की, यानी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, अपने हितों की पूर्ति भी करते हैं, ठीक है, वो अपने हितों की पूर्ति करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरी जब हम बात करेंगे तो तीसरा, चूंकि इनकी संस्कृति लगभग लगभग एक होती है, चूंकि ये एक समान कल्चरल चीजें अपनाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके अंदर से एक सामुदायिक भावना होती है ना, जिसकी उसको अभी हम वी फीलिंग कह रहे थे, उसे ही हम सामुदायिक भावना कहेंगे, है ना। इनकी अपनी एक सामुदायिक भावना होती है और उस सामुदायिक भावना के कारण ही ये लोग आपस में एकजुट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। यानी पहली विशेषता हो गई हितों की पूर्ति, दूसरी हो गई सामुदायिक भावना, और तीसरी हो गई हितों की पूर्ति, है ना। तीन हो गई, भौगोलिक क्षेत्र, हितों की पूर्ति और सामुदायिक भावना। अब जब ये तीनों चीजें हैं, यानी अब ये तीनों चीजें मिल करके किसी भी चीज को समुदाय बना देंगी, यानी कोई भी छोटा समूह, कोई भी बड़ा समूह है ना, जहां पर लोग रहते हैं, आपस में हितों की पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समुदाय कहेंगे, है ना। समुदाय की एक सबसे बड़ी जो दो चीजें हैं, पहली बात तो ये होगी, पहली चीज तो ये है कि सामान्य संस्कृति, और दूसरी चीज है भौगोलिक क्षेत्र। कहीं भी कई बार नेट में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या समुदाय है क्या नहीं है, इस तरह में, और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो समुदाय अगर आपको पहचानना है, कभी भी गलत नहीं होगा, समुदाय पहचानने का सबसे सीधा तरीका है कि आप उसमें दो चीजें ढूंढिए, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया, एंड द सेकेंड वन इज वी फीलिंग और कॉमन इंटरेस्ट, है ना, यानी आपकी सामुदायिक भावना या फिर हम की भावना, हितों की पूर्ति। अच्छा, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरी चीज एक समान संस्कृति भी बहुत जरूरी हो जाती है। जनरली जो लोग एक समुदाय में निवास करते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, लगभग लगभग वो सब समान संस्कृति का पालन करते हैं। किम्बोल यंग ऐसा मानते हैं कि जो ये एक समान उसमें रहते हैं समुदाय में, वो लगभग लगभग एक समान संस्कृति का पालन करते हैं, है ना, क्योंकि समुदाय की अपनी एक संस्कृति होती है। जैसे कि हम देखें कि जो भी समुदाय के लोग हैं वो सभी लोग एक जैसी वो चीजें देखते हैं। अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको वहां पर गुजराती भोजन मिलेगा, आप साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ का
इंडियन फूड मिलेगा, आप यूपी बिहार आते हैं तो आपको दूसरे तरीके का खाना मिलता है ना। यानी हर एक जगह अपने साथ कुछ कल्चरल विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं को साथ में जोड़ करके रखती है। एक दूसरी चीज ये है कि समुदाय को कोई बनाता नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कई बार लोग गलत कर देते हैं। समुदाय को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि समुदाय का विकास स्वतः हुआ है ना, समुदाय स्वतः विकसित होता है। समुदाय को कोई बनाता नहीं है कि समुदाय को कोई भैया बनाएगा, चलो आज आज बैठ के समुदाय बनाया जाए, ऐसा नहीं है समुदाय। बल्कि लोग रहने लगे, भाई जनजातीय समाज में लोग रहते थे, ट्राइबल सोसाइटी में लोग रहते थे, साथ में हितों की पूर्ति करते थे, शिकार करते थे, खाते पीते थे, और ये करते करते वो लोग एक समुदाय का निर्माण किया, क्योंकि वहां पर सब लोग अपने साथ साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, एक जैसे त्योहार मनाते थे, और इसी तरह करते करते वो सब, वो जो समुदाय था वो स्वतः ही अपने आप ही विकसित हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है। समुदाय बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत मतलब बस हम ऊपर ऊपर से छूते हुए चलेंगे कि क्या क्या है, आप लोग बेसिक एक समझ डेवलप कर लीजिए इन सब चीजों की। अच्छा, ये तो हमारा समुदाय हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास, दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पर कि अब यहाँ पर हम दो तरीके के समुदाय देखते हैं। पहला हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय, और दूसरा हम देखते हैं नगरीय समुदाय, है ना। यानी पहला हम देख रहे हैं ग्रामीण समुदाय और दूसरा हम देख रहे हैं नगरीय समुदाय। पहला जो समुदाय है हमारे पास वो है ग्रामीण, और दूसरा है हमारे पास नगरीय, है ना। ये दो हमारे पास समुदाय है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण समुदाय जो है भाई, उनकी अपनी संस्कृति है, नगरीय समुदाय की अपनी संस्कृति है, ठीक है। जो ग्रामीण समुदाय है भाई, वो क्या करते हैं, अगर आप देखें तो ग्रामीण समुदाय की अपनी संस्कृति होती है ना, वो अपना एक विचारधारा फॉलो करते हैं, अपनी एक चीजें, उनके अपने त्योहार हैं। आपके यहाँ शहर में होली अलग तरीके से मनाई जाती है, गांव आप जाएंगे वहां पर होली अलग तरीके से मनाई जाती है, बहुत सारे लोग शायद जानते भी हो, है ना। आप दिवाली अलग तरीके से मनाते हैं, गांव में दिवाली थोड़ा सा अलग तरीके से मना की जाती है, क्योंकि और आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टिंग में जो भी स्टडीज हुई है ना, जो स्टार्टिंग में जो स्टडीज करी सोशियोलॉजिस्ट ने, चाहे वो एम एन श्रीनिवास हो, चाहे वो आंद्रे बेतेई हो, या कोई भी जो थिंकर जिस किसी ने भी समुदाय की, गांवों की स्टडी करी, एससी दुबे हो, इन सभी लोगों ने ग्रामीण समुदाय के अध्ययन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जो अंग्रेज आए भैया, उन्हें तो कुछ पता नहीं था भारत के बारे में, और भारत पे राज भी करना है और भारत के बारे में जानते भी कुछ नहीं है, तो ऐसे तो काम ना चल पाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, जो यहाँ के जानकार लोग थे, उनको फंडिंग दी, उनको पैसे दिए, और उनसे कहा गया भैया आप इनके बारे में अध्ययन करिए, आप इनके बारे में समझिए, है ना। और अलग अलग तरीके, क्योंकि जब तक किसी को जानेंगे नहीं तब तक उस पर शासन करना मुश्किल होगा, इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से चीजों को समझना, अलग अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू कर दिया। एक यहाँ पर स्टेटमेंट आता है ग्रामीण समुदाय से, मुझे याद आ रहा है, आप नोट कर लेंगे अपने पास, कि चार्ल्स मेटकॉफ आए एक बार, चार्ल्स मेटकॉफ एक नाम आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे ये सारे नाम याद हो जाएंगे। चार्ल्स मेटकॉफ ने, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी भारत पर, क्राउन रूल शासन करता था भारत पर, तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे उन्होंने यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, तो क्या हुआ, उन्होंने भारत के बारे में जानना शुरू किया, है ना। और इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ ने एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो भारतीय गांव है ना, जो इंडियन कम्युनिटीज हैं, जो इंडियन कम्युनिटीज हैं वो क्या है भैया, वो पूरी तरीके से अपने आप में रिपब्लिकन सोसाइटी या रिपब्लिकन कम्युनिटी के तौर पर हैं। इसीलिए बहुत प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारतीय गांव लघु गणतंत्र है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, है ना। किसने कहा था कि भारतीय गांव लघु गणतंत्र है, इसको किसने कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ ने। आपको अपनी कॉपी में से नोट कर लेना है, चार्ल्स मेटकॉफ, भारतीय ग्राम लघु गणतंत्र है, इंडियन विलेजेस
आर लिटिल रिपब्लिक, भारतीय गांव लघु गणतंत्र है। अब भारतीय गांव लघु गणतंत्र कैसे हैं भैया? क्योंकि भारतीय गांवों में जितनी भी जरूरतों की चीजें हैं, जो भी जरूरतों का सामान है, वो उसके लिए उन्हें कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि वो सारी चीजें उन्हें कहाँ मिल रही है, वो सारी चीजें उन्हें गाँव के अंदर ही मिली जा रही है। उसके लिए कहीं बाहर जाते हैं क्या भाई गाँव के लोग? गाँव के लोग अगर उन्हें, आपको देखेंगे बढ़ई का काम है वो भी गाँव में हो गया, खेती का काम है वो तो गाँव में हो ही रहा है, इसी तरह से लगभग 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 सारे काम उनके कहाँ हो जाते हैं? गांव के भीतर ही हो जाते हैं। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं कि भारतीय गांव क्या है? लघु गणतंत्र है। ठीक है, भारतीय गांव लघु गणतंत्र है, लिटिल रिपब्लिक है, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, अगर अगर हम अलग अलग तरीके से देखें गांवों के बारे में कि गांव में कैसे थे, हालांकि जब हम लोग रूरल वाली यूनिट पढ़ेंगे तो हम लोग गांव को डिटेल में पढ़ेंगे कि गांव किस तरीके से बने, किस तरीके से विकसित हुए, लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक बेसिक चीजें समझने की कोशिश करें तो अगर हम गांव की विशेषताओं की बात करें, अगर हम गांव की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, गांव की विशेषताओं के बारे में बात करें, तो हम ये जान पाएंगे कि गांव की एक एक यहाँ पर एक नाम और आपको याद करना होगा जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। मैं चाहता हूँ पहले कुछ नामों से आपको फेमिलियर करवा दूँ, फिर आप जो है वो चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एक नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आवाज आपकी बहुत फंस। मेरी आवाज सर ऑडिबल नहीं है, आप बार बार फंस रही है आवाज आपकी। ओके, एक सेकंड रुकना, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अब शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी भी वैसी प्रॉब्लम है, अभी भी आवाज फंस के ही आ रही है। नहीं सर ठीक है, अभी अच्छा ऑडिबल है। अच्छा तो हम लोग बात कर रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, एक व्यक्ति हुए, एक सोशियोलॉजिस्ट हुए, रॉबर्ट रेडफील्ड है ना। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक में बताया, रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है, ये भी बहुत पूछी जाती है, बुक का नाम था लिटिल कम्युनिटी। ये सब चीजें नोट करते चलिए। रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक आई जिसका नाम था लिटिल कम्युनिटी, और इसमें ये इन्होंने गांव की जो है ना चार विशेषताएं बताई। आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं बताई। जो पहली विशेषता इन्होंने बताई वो इन्होंने बताई कि भैया गांव में एक सबसे पहली विशेषता है कि ये लघुता, यानी कि ये छोटे होते हैं, है ना, ये बहुत छोटे होंगे, लघु होंगे साइज में, ये बहुत छोटे होंगे, लघुता पहली विशेषता बताई। दूसरी विशेषता क्या बताई? विशिष्टता, यानी स्पेसिफिक होंगे, विशिष्टता। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि ये विशिष्ट होंगे, विशिष्ट कैसे होंगे? हमने बताया क्योंकि अपनी संस्कृति इनकी स्पेशल है भाई, आपकी संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, गांव वाली संस्कृति थोड़ी सी हटके है, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि हर एक संस्कृति अपने आप में बेहतर होती है, इसीलिए ये संस्कृति भी अपने आप में अच्छी है। तो पहली चीज हो गई लघुता और दूसरी हो गई विशिष्टता, यानी स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी चीज हो गई समरूपता, सॉरी तीसरी चीज हो गई समरूपता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। अच्छा होमोजेनिटी, सर हाँ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट। एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ एक सेकंड। तो जो तीसरी विशेषता है इसकी वो है समरूपता, यानी कि होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या बताती है? कि गांव के भीतर रहने वाले सभी लोग एक जैसी संस्कृति, एक जैसा जीवन शैली और एक जैसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं। ठीक है, ये चीजें वहां होमोजेनिटी होती है। अब शहर में क्या होमोजेनिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि शहरों में, क्योंकि शहर में हर एक व्यक्ति की संस्कृति दूसरी व्यक्ति से अलग होती है, महानगर हो, छोटे नगर हो, या आपके वैश्विक नगर हो, सभी में क्या है ना, बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पर पाई जाती है। और डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? सर फंस रही है काफी आवाज है सर आप। सभी को फंस रही है,
नेटवर्क का तो फिर कुछ करना पड़ेगा। हेलो, एक सेकेंड। हाँ अभी भी प्रॉब्लम। अच्छा ओके, आ ही रही है दिक्कत। अरे हाँ नहीं तुम सही कह रहे हो, नेटवर्क की दिक्कत कुछ हो ही रही है, लैपटॉप भी बता रहा है। ये तो यार गड़बड़ वाली बात है। थोड़ा सा रुको, बस 2-5 मिनट मुझे दो। दो दिन से क्या आज अचानक से क्या दिक्कत हो गई बता। अब सही है? यस सर, अब एकदम सही है ना प्रियंका? यस सर, अब सही है सर। मयंका बढ़िया आ रही है आवाज? कैसे क्यों मयंक, आ रही है सर, अब बढ़िया आ रही ना? पर आ रही है, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम लोग लेकिन बात फिर कर, से, लेकिन सर रिपीट करना पड़ेगा आपने सर। हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, हम रिपीट कर देंगे। एक्चुअली कह रहा, शायद बारिश बहुत हुई आज यहाँ पर, तो शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर गया हो, होना नहीं यस सर, चाहिए। नेटवर्क इधर भी थोड़ा इशू कर रहा तुम्हारी हाँ तो ऐसे सही चल रहा है। मैं लग रहा प्रेजेंट, जब स्क्रीन प्रेजेंट करता है तब कुछ प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चार तीन विशेषताएं इसकी पढ़ी थी। कौन कौन सी तीन विशेषताएं हमने पढ़ी? पहली हमने पढ़ी लघुता, यानी ये साइज में छोटे होंगे। ये विशेषता किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक आई थी लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी में रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय की चार विशेषताओं को बताया था। पहली विशेषता इन्होंने बताई थी लघुता, यानी ये साइज में छोटे होंगे। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई थी विशिष्टता, यानी इसकी संस्कृति अपने आप में विशिष्ट होगी। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई थी होमोजेनिटी, यानी कि समरूपता। जैसे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि होमोजेनिटी एक ऐसी विशेषता है जिसमें कि गांव में जितने भी लोग निवास करते हैं वो लगभग लगभग एक ही संस्कृति के होते हैं, वो लगभग लगभग एक जैसी संस्कृति अपनाते हैं, उन्हें हम समरूपता कहते हैं। और जो चौथी विशेषता बताते हैं, चौथी विशेषता बताते हैं आत्मनिर्भरता, है ना? जैसे मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो वही वाला आत्मनिर्भरता। चौथी विशेषता इन्होंने गांवों की बताई आत्मनिर्भरता, ठीक है, जिसको कि हम कहेंगे, क्या कहते हैं आत्मनिर्भरता को इंग्लिश में? मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं, आत्मनिर्भरता क्या बोलते हैं इसे? डिपेंडेंट, नहीं आई अरे कुछ टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। आत्मनिर्भर बनो, है ना? ठीक है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब बताया? आत्मनिर्भरता का मतलब बताया कि जो भारत के गांव हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी बाहरी समाज पर निर्भर नहीं है, यानी गांव के भीतर ही गांव की सारी फिर आवश्यकता। क्या क्या हुआ, क्या कह रहे हो प्रियंका, इस क्या कह रहे हो भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर करो इंटरव्यू, कंट्रोल बता करो। रहे हैं सर, सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ हो रहा सेल्फ सेल्फ नहीं यस सर, ये सही है सेल्फ सर, डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अरे नहीं, नहीं छोड़ो सर, सेल्फ छोड़ो डिपेंडेंट हो, छोड़ो कॉन्फिडेंस तो छोड़ो फिर यस सर, वो सेल्फ छोड़ो छोड़ो, वो एक दूसरा टर्म है, वो हेलो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, वो एक दूसरे कुछ और ही कहते हैं, याद आएगा तो तुरंत बता देंगे। हाँ तो आत्मनिर्भर का मतलब है, यानी गांव, अगर ये हम इसे एक गांव माने तो गांव की सारी विशेषताएं गांव के भीतर ही पूरी हो जाती है गांव वालों को। ऐसा ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहे हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहे हैं अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में, ठीक है, ये कह रहे हैं कि गांव की सारी विशेषताएं गांव के भीतर ही पूरी हो जाती हैं, यानी कि गांव के लोगों को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। और जब गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता तो भाई जाहिर सी बात है आत्मनिर्भर हैं वो लोग, है ना? आत्मनिर्भर हैं और इसीलिए वो सब आपस में एकजुट रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से कोई इंटरेक्ट करना नहीं है, बाहर से उन्हें किसी से मिलना नहीं है, वो अपने ही समूह में रहते हैं और अपनी ही चीजों को फॉलो करते हैं। इसे हम कहते हैं जो है
ठीक है, इसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। यानी ये चार विशेषताएं गांव की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई। ये समझ में आई बात? यस सर। जी सर। ठीक, बहुत अच्छा, है ना। तो ये विशेषताएं बताती है, ये विशेषताएं बताते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, ये विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड बताते हैं कि ये इस तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो होगा हमारा, ये ग्रामीण समुदाय हम समझ लेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है शहरी समुदाय, है ना, क्योंकि ग्रामीण तो समझ लिया। ग्रामीण समुदाय की चार विशेषताएं याद रखना, रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब का नाम याद रखना, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? फिर से ऑडिबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ अब? ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा, हाँ। इसके अलावा इस बार नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है रैखिक गांव क्या होते हैं, और ये चीज नहीं पढ़ाई जाती जनरली, मुझे भी नहीं पता थी, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तब पता चला कि रैखिक गांव क्या होते हैं। अगर हम गांवों के प्रकार की बात करें तो एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, है ना। क्या ध्यान रखेंगे हम? कि इरावती कर्वे ने, किसने? इरावती कर्वे ने गांव को चार भागों में बांटा है, गांव के चार प्रकार बताए हैं, है ना। इरावती कर्वे डिस्क्राइब फोर टाइप्स ऑफ रूरल कम्युनिटी या फिर इंडियन विलेजेस। इरावती कर्वे ने भारत के चार, भारत में चार प्रकार के गांव की बात करी है कि चार तरह के गांव भारत में पाए जाते हैं, चार प्रकार के गांव भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के गांव हैं, आइए समझते हैं। जो पहला प्रकार इरावती कर्वे बता रही हैं, पहला प्रकार है हमारा मैदानी गांव, है ना। पहला गांव है हमारा मैदानी गांव। अब मैदानी गांव कैसा होगा? मैदानी गांव भाई जाहिर सी बात है ऐसा ही तो होगा, किसी यहां पर से कोई रिवर निकली होगी और इस रिवर के किनारे ये पूरा गांव बसा होगा। आप जितने भी गांव देखते हैं, जैसे कि आप इधर घाघरा, घाघरा नदी के किनारे जो गांव बसे हैं आपके पूर्वांचल के क्षेत्र में, बस्ती, फैजाबाद, ये सारे कैसे गांव हैं? ये सारे मैदानी गांव की श्रेणी में आएंगे, है ना। मैदानी गांव हैं क्योंकि मैदानी गांव होने के साथ ही साथ ये गांव पूरी तरीके से किसी नदी के, किसी बड़ी तालाब के किनारे बसे हुए हैं, और इस कारण से इरावती कर्वे कहती हैं कि इन्हें हम मैदानी गांव कहेंगे, है ना। जैसे कि बिहार के कई सारे गांव, उत्तर प्रदेश के कई सारे गांव, है ना, पंजाब के कई सारे गांव, इस तरह के गांव हम मैदानी गांव कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे प्रकार के गांवों की बात करते हैं, दूसरे तरह के गांव कैसे होंगे? दूसरे तरह के गांव जो होंगे उन्हें हम कहेंगे केंद्रीकृत गांव, केंद्रीकृत गांव, ठीक है। दूसरे तरीके के गांव होंगे केंद्रीकृत गांव। केंद्रीकृत गांव कैसे होंगे कि जो आबादी में तो छोटे होंगे, यानी क्षेत्रफल में छोटे होंगे, आबादी में छोटे होंगे, और लगभग लगभग इनकी सारी आबादी एक ही जगह बसी होगी। जैसे कि आप देखेंगे, वो आपने फिल्म देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, देखी है ना सभी ने? Yes, sir. हाँ, तो जो चेन्नई एक्सप्रेस में जब ऊपर ड्रोन कैमरे से सीन शूट किया गया है तो उसमें दिखाते हैं कि पूरा गांव ऊपर से दिखता है जब, तो पूरा खाली है और बीच में गांव छोटा सा बसा हुआ है। तो इस तरीके के गांव को हम कहते हैं केंद्रीकृत गांव, यानी कि सेंट्रलाइज्ड विलेज, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे प्रकार का गांव इरावती कर्वे बताती है जिसे कि हम कहते हैं रैखिक गांव, है ना, रैखिक गांव। तीसरे प्रकार का इरावती कर्वे गांव बताती है रैखिक गांव, लीनियर विलेज। अच्छा, ये क्या होता होगा, ये पता था किसी को इससे पहले? ये गांव के चार प्रकार, रैखिक गांव क्या होता होगा? नो सर। रैखिक गांव जो होता है, इरावती कर्वे बताती है
कि ये ऐसे गांव होते हैं जिनके बीचों बीच तो सड़क होती है ना, और उस सड़क के दोनों ओर मकान, जमीन, फलों के बाग, है ना, और कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में गांव बसा हुआ है या समुद्र के किनारे गांव बसा हुआ है। आप बंगाल में देखेंगे, ओडिशा में देखेंगे, केरल में देखेंगे, यहां पर आपको रैखिक गांव मिलेंगे। रैखिक गांव क्यों मिलेंगे? क्योंकि भाई समुद्र है और समुद्र के किनारे किनारे गांव बसा हुआ है हरियाली वाले एरिया में, तो इसको इरावती कर्वे रैखिक गांव कहती है। आइए चौथे प्रकार के गांव की बात कर लेते हैं। चौथे प्रकार का जो हमारा गांव है वह है बिखरा हुआ गांव, है ना, बिखरा हुआ गांव। बिखरा हुआ गांव कैसा होगा भाई? कि इसमें ना तो हम लोग लीनियर तरीके से बसेंगे, ना तो हम लोग सेंट्रलाइज्ड तरीके से बसेंगे, ना तो हम लोग मैदानी तरीके से बसेंगे। तो हम लोग कैसे बसेंगे? हम लोग जहां मन जिसका आया वो वहां बस गया। अब आप देखेंगे पहाड़ी इलाके में, मेरा एक स्टूडेंट है, वो अरुणाचल में रहता है और इस टाइम बेचारे के यहाँ बाढ़ आई हुई है, बड़ा परेशान है। तो बताता है कि सर जैसे हम लोगों का कोई निश्चित एरिया नहीं है, आज तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कल बाढ़ आई दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, फिर बाढ़ आई तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। यानी कि इस तरह के जो गांव होते हैं जहां निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं उसे हम बिखरा हुआ गांव कहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी एक जगह पर निवास नहीं करते, ठीक है ना। सर ये चारों प्रकार के गांव याद हो गए। भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र किसने कहा है बताइए जरा? इंडियन विलेजेस आर लिटिल सर रिपब्लिक किसने कहा है पूजा? रॉबर्ट मैट नहीं जी अभी तो सॉरी नहीं, सर मैटकॉफ मॉट मैटकॉफ हाँ चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने तो गांव की चार विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, याद रखेंगे, यस कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। सर उनका बुक का नाम लिटिल लिटिल बुक रोमन हो रहा है कौन बोल रहा थी दूसरा? ठीक है, अब आइए इसके आगे हम लोग शहरी समुदाय के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। शहरी समुदाय क्या है? जब हम शहरी समुदाय, अच्छा शहरी समुदाय के बारे में बहुत एक बेसिक सी चीज बताते हैं, शहर कैसे बसे पता है? शहरी समुदाय में क्या हुआ, आप शहरों का अगर इतिहास जानने आएंगे, शहरों के इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जब खुदाई, सबसे पहला अगर नगर नगरों की बात करें तो नगरों की बात शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी का नाम सभी ने सुना है। जी सर दयाराम साहनी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया दयाराम साहनी ने, तो 1921 में सबसे पहले वहां पर से हमें देखने को मिलता है कि वहां पर उन्हें एक सभ्यता मिली जिसमें कि उन्होंने नगर के अवशेष मिले कि हाँ भाई यहाँ पर नगर होगा। वो एक फिल्म भी बनी थी इस पे, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की रोल, उसने उसमें ऋतिक रोशन ने रोल किया था, है ना। तो उसमें दिखाते हैं कि भाई नगर बसे हुआ, नगर बसा हुआ है, बाकायदा चौड़ी सड़कें हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, बढ़िया पक्के मकान बने हुए हैं, यानी नगर का कॉन्सेप्ट हमें वहां से मिला, ठीक है। अगर हम नगर की बात करें तो नगर या शहरी समुदाय को शहरी समुदाय कहने की बजाय अगर हम अर्बन कम्युनिटी ना कहें बल्कि हम इसे अर्बन सोसाइटी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अर्बन सोसाइटी क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि कम्युनिटी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें अर्बन एरियाज पूरी नहीं करते, लेकिन फिर भी हम खैर अर्बन कम्युनिटी चलता चला आ रहा है। अच्छा हुआ क्या? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि बहुत सारे शहरी समुदाय जो कि जिनकी संस्कृति अपने आप में अलग है, जिनकी विशेषताएं अपने आप में अलग हैं, वो सब अपने आप एक संगठित तरीके से बसे हैं, है ना। यानी कि भाई मुंबई सिटी, अब मुंबई में क्या कोई लोग जो है बहुत एक दूसरे को जान पहचान के रखते होंगे, बहुत ज्यादा संस्कृति वाले होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से अपने आप ऐसे बसते चले गए। अच्छा नगरी, अगर हम आपसे इसमें एक बड़ी फील्ड बनी अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी भी एक जो है अच्छा सोशियोलॉजी का एक बढ़िया पार्ट माना जाता है ना।
इसमें कि अगर हम आपसे इसके बारे में बात करें तो एक नाम आता है यहाँ पर लुईस वर्थ का, किसका नाम आता है? लुईस वर्थ। और इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है, हम कभी भी पूछ सकते हैं, है ना, जिनका इनका स्टेटमेंट है अर्बनिज्म, इंग्लिश में नहीं हिंदी में बता देंगे, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि नगरवाद जो है या नगरवाद या नगरीयता जो है वो क्या है, वो बस एक जीवन शैली है। नगरवाद एक जीवन शैली है। नगरवाद एक जीवन शैली कैसे है भाई? लुईस वर्थ कहते हैं कि नगर में रहने के तरीके मायने रखते हैं, और नगर में जो लोग रहते हैं वो उनकी स्पेशल लाइफस्टाइल होती है। अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इसलिए नगरवाद और कुछ नहीं है बल्कि बस एक जीवन शैली है, बस उस जीवन जीने का तरीका है। हम आपको अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताएं तो नगर शब्द जो नगर टर्म है, ये संस्कृत में नागर शब्द से मतलब अगर इसको इसकी तुलना की जाए तो नागर शब्द का मतलब होता है चतुर या बहुत ज्यादा चालाक। तो नगर में रहने वाले लोग चालाक होते हैं, इसलिए उन्हें नागर जो थोड़े से चालाक होते हैं इसलिए वहां से नगर आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। तो नगरवाद क्या है? नगरवाद एक जीवन शैली है, यानी जीवन जीने का तरीका है, रहने का तरीका है, है ना। इसीलिए हम इसीलिए लुईस वर्थ कहते हैं कि अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या हुआ भाई, आगे देखते हैं। आइए, लुईस वर्थ के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने शहरों पर काम किया जो कि नेट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें कि ये इस स्टेटमेंट के साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है, एक चीज और दो चीज। कौन कौन सी दो चीजें याद रखनी है? पहली चीज आपको याद रखनी है कि लुईस मम्फोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, नाम था जिनका लुईस मम्फोर्ड। लुईस मम्फोर्ड, है ना, इन्होंने अपनी इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द कल्चर ऑफ सिटीज। बहुत पूछी जाती है ये बुक, है ना, द कल्चर ऑफ सिटीज। लुईस मम्फोर्ड की बुक थी द कल्चर ऑफ सिटीज। इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से नगर डेवलप हुए, किस तरीके से नगर बने, किस तरीके से नगरों को समझा जा सकता है, है ना। तो इसी तरीके से हम नगरवाद को या अर्बन सोसाइटी को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात ठीक है ना? यानी हमारा अर्बन सोसाइटी हो गया, अर्बन कम्युनिटी हो गया और रूरल कम्युनिटी हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसको। यानी अब ये दो चीजें तो हमने पढ़ ली हैं, आगे क्या बचा है ये देखते हैं। आगे हमारे पास कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेल को एक समुदाय किसने माना है, है ना। जेल को यानी बंदी गृह कह सकते हैं, जेल कह सकते हैं, जेल को एक समुदाय किसने माना है, किसी को पता है? सर सेकंड वन क्या था सर? क्या सेकंड वन? सर दूसरा क्या था? मम्फोर्ड के बाद दूसरा क्या था? मम्फोर्ड के बाद दो बताया ना, लुईस वर्थ, वो तो हो चुका, मैं आपने दो बताया था। तो ये चीजें तो मैंने बता दी शायद, एक सेकंड देखते हैं क्या है भाई, बैक जाकर क्या इसमें देखो क्या छूट रहा है। अच्छा दूसरा क्या था ये पूछ रहे हो, ठीक है सॉरी दूसरा एक तो लुईस वर्थ है, एक लुईस मम्फोर्ड। ये लुईस वर्थ हमने ऊपर ही लिख दिया था इसीलिए फिर बाद में रह गया, एक लुईस वर्थ है और लुईस मम्फोर्ड। इसी तरह से जैसे हमने अभी उसकी बातें करी हैं, क्या बोलते हैं, रूरल कम्युनिटी की, उसी तरह से आइए अब हम थोड़ा सा अर्बन कम्युनिटी को भी समझ लेते हैं। कि जैसे भाई रूरल कम्युनिटी की हमने चार विशेषताएं बताई, उसी तरह से अर्बन कम्युनिटी की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है अर्बन कम्युनिटी की विशेषता, क्या होगी, गेस करके बताओ अपने आप भाई, रूरल कम्युनिटी के जस्ट उल्टा होगी तो क्या होगा?
बोलिए। समान संस्कृति नहीं रहेगी, बिल्कुल, यानी समान रहे नहीं अंतर रहेगी, चला या जाएगा। समान संस्कृति नहीं, होमोजेनिटी नहीं रहेगी, यानी कैसी, यानी कि हेट्रोजेनिटी रहेगी, ठीक है, समान सर लघुता भी नहीं रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी, लघुता नहीं रहेगी यानी साइज अब छोटा नहीं रहेगा, अब बिग साइज हो जाएगा, उसमें स्मॉल साइज था इसमें बिग साइज हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आकार हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा और गेस करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, विशिष्टता कह लीजिए नहीं रहेगी, वो तो ये तो हेटरोजेनिटी नहीं। में आ ही गई, वो तो हेटरोजेनिटी में आ जाएगी, खैर, है ना, असमरूपता हो गई, अच्छा असमरूपता हो गई, बड़ा आकार हो गया, और दूसरी चीज एक हो गई, डेंसिटी ज्यादा होगी इनकी, सामुदायिक भावना, सब बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सामुदायिक भावना स्ट्रांग नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया, वी कम्युनिटी की कम, वी फीलिंग की कमी हो जाएगी इसमें, वी फीलिंग उतनी ज्यादा नहीं रहेगी यहाँ पे, फिर फीलिंग की कमी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वी फीलिंग की कमी हो जाएगी, तो ये चार इसमें चीजें रहेंगी देखने को मिलेंगी, हेट्रोजेनिटी, बिग साइज, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो ना सब लोग, डेंसिटी किस किस बारे में बात की जा रही है, डेंसिटी का मतलब है कि साइज बहुत घना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, घने घने तौर पर बसे होंगे, अब आप देखेंगे कभी अगर आप, जो उसकी बसाहट, बोलिए सर बोलिए जो बोलिए, तो उसकी बसाहट होगी वो ऐसे घनी घनी रहेगी, मैं घनत्व, हाँ घनत्व, वेरी गुड, मतलब घनत्व उसका बहुत, पॉपुलेशन से हटके जो रहेगा घनत्व रहेगा, हाँ यस बहुत सर। बहुत अच्छे, घनत्व इसका बहुत ज्यादा रहेगा, घनत्व ज्यादा इसलिए भी रहेगा भाई क्योंकि वो बहुत आपस में घने बसे हैं, आपस में बहुत सघन तरीके से बसे हुए हैं, और जबकि गांवों में ऐसा क्या है, छोटे छोटे गांव हैं, दूर दूर पे घर बने हुए हैं भाई, आराम से सब रहते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, आप कभी दिल्ली चले जाइए, जो लोग दिल्ली गए होंगे वो जानते होंगे, वहां पर नीचे वाले कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, ऊपर वाले कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, मतलब नीचे वाला फ्लोर किसी दूसरे व्यक्ति का है, ऊपर वाला फ्लोर किसी दूसरे व्यक्ति का है, फ्लोर बिक रहे हैं वहां पे। आप कभी बॉम्बे चले जाइए, देखिए फिर कैसी स्थिति है वहां की, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहाँ है पता है किसी को, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, मुंबई, मुंबई, क्या नाम है उसका, उस स्लम का, मयंक, धारावी, धारावी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, जो मुंबई का सबसे बड़ा स्लम है उसका नाम धारावी है, ये भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है, जो मुंबई का सबसे बड़ा स्लम है वो धारावी है, ठीक है, तो ये तो हो गई अर्बन कम्युनिटी की विशेषताएं, है ना, दूसरी बात उनकी काफी सोच, फंड देता हूँ हाँ क्या होता है, सर, उसके लिए काफी फंड पास होते हैं बट होता नहीं है, हाँ फंड भी काफी पास होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्लम को हटाने के लिए काफी फंड पास करती है गवर्नमेंट, क्या हुआ भाई इसके बाद, क्योंकि वहां पर संस्कृति भी अलग है, यानी गांव की तरह तो नहीं है कि सब एक ही जैसे लोग रह रहे हैं, सब एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही तरह की पूजा भी जो है कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, एक ही मोहल्ले में हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, क्रिश्चियन, सिख, जैन, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, आपको एक ही मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और लास्ट बची है, उसको भी आओ समझ लेते हैं, क्या बची है हमारे पास, एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज हमारे पास बच रही है, जेल, यानी जिसे हम कहते हैं बंदी गृह, बंदी ठीक है, बंदी गृह, बंदी गृह क्या काम करता है यहां पर, क्या बंदी गृह को हम समुदाय कहेंगे, क्या जेल को हम समुदाय कहेंगे, जेल को एक समुदाय जनरली नहीं कहा जाता है, लेकिन मैकाइवर एक थिंकर है, मैकाइवर ने मकीवर भी कहा जाता है ना, बल्कि सही सही शब्द इसका मकीवर ही है, मकीवर जो है वो कहते हैं कि जेल जो है, जेल भी एक तरह का समुदाय है, ठीक है,
जेल एक समुदाय कैसे है, क्योंकि ध्यान रखेंगे अगर हम आपसे पूछें कि जेल को समुदाय कौन मानता है, तो आप बताइएगा कि मकीवर मानते हैं। इनका पूरा नाम है आर एम मकीवर, जनरली आप मकीवर याद कर सकते हैं, मैं कई बार याद कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है ना। बंदी गृह यानी जेल जो है, मैकाइवर कहते हैं कि जेल भी एक तरह का समुदाय है। क्यों समुदाय है? क्योंकि भाई जेल में जो लोग हैं वो तो एक निश्चित एरिया में रहते हैं कि नहीं, इस जेल से कोई बाहर नहीं जा रहा है ना, इसी एरिया में रहते हैं, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी हो गया। दूसरी विशेषता क्या थी समुदाय की? दूसरी विशेषता थी कि उनके अंदर हम की भावना होनी चाहिए। तो भाई जेल में जो कैदी रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर वी फीलिंग भी डेवलप हो जाती है ना, उनके अंदर वी फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज क्या थी भैया? तीसरी चीज थी वो ये थी कि सदस्यता उसकी है ना, मतलब वो उस विशेष पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक साथ जीवन जीते हैं, और उस जेल के अंदर तो सभी कैदी है ना, तो लगभग एक ही तरह का जीवन भी जी रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं, इसीलिए जो मैकाइवर जी हैं वो कह रहे हैं कि इसीलिए जेल भी एक तरह का, एक किस्म का समुदाय है, इसीलिए वो जेल को एक किस्म का समुदाय मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये यहां तक बात ठीक है ना? यस सर। ठीक है, यानी कि हमने हमने रूरल कम्युनिटी पढ़ा, हमने अर्बन कम्युनिटी पढ़ा, और हमने जेल पढ़ा। ठीक है, रूरल कम्युनिटी अर्बन कम्युनिटी के साथ जो नाम आपने जोड़े हैं, जो नाम हमने आपको बताए हैं, वो नाम आप याद रखिएगा, पुस्तक आप याद रखिएगा। और एक काम और करेंगे आज से या मतलब हमेशा के लिए, जब आप सुबह ये जो आप डायरी बना रहे हैं या आप जो नोट्स बना रहे हैं जिसमें कि बुक्स लिखते हैं या पर डे का लेक्चर लिखते हैं, सुबह उठ के कुछ मत करिए, बिस्तर से उठिए और पहले नंबर पर, बिस्तर से उठते ही या चाहिए तो उठिए भी मत, ब्रश भी बाद में करिए, लेटे लेटे ही ये सारे कॉन्सेप्ट, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से सारे कॉन्सेप्ट, भाई ये बुक इनकी है, सुबह उठ के बस एक बार भैया रिवाइज कर लो, मेरे कहने से बस सुबह उठो और सबसे पहले से रिवाइज कर डालो, ठीक है ना, बस इतना कर लो। उसके बाद दोपहर में दिन में तो पढ़ना है, वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन जैसे मतलब गांव के, अब जैसे पूछ लिया जाता है ना उसमें पेपर में नेट के कि गांव के चार प्रकार किसने बताए हैं, अब वहां पर ध्यान नहीं आता है किसने बताए हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको डेली सुबह उठ के जितने बजे भी आप उठते हो, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, जब भी आप उठते हो कॉपी ये रजिस्टर जो A4 पेपर वाली फाइल बिस्तर पर रख के सो, और उठते ही पहले ही नंबर पे सबसे पहले रिवीजन करो, उसके बाद बाथरूम जाओ और ब्रश करो, जो भी करना है करो, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सुबह उठ करके इसको रिवाइज करना है। आगे देखते हैं, ये समुदाय तो हमने देख लिया, अब समुदाय के बाद जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम कहते हैं समिति, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जेल को समुदाय किसने माना है प्रियंका? मैकाइवर ने। वेरी गुड। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, आइए समिति, समिति क्या है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समिति को संस्था बताते हैं और संस्था को समिति बताते हैं, यानी संस्था को समिति समझते हैं और समिति को संस्था समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, समिति अलग है और संस्था अलग है। होता क्या है भैया? होता यह है कि जैसे जैसे सोसाइटी में नई नई चीजें आई, जैसे जैसे सोसाइटी में नए नए चीजों का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, मनुष्य के हित जो थे वो भी बढ़ने लगे, मनुष्य के जो इंटरेस्ट थे वो भी बढ़ने लगे, और जब मनुष्य के इंटरेस्ट बढ़ने लगे, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो आवश्यकताएं अगर बढ़ेंगी तो भैया उन्हें पूरा भी तो किया जाएगा, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग एकजुट होने लगे, और इन्हीं एकजुटता को मिला करके इसी तरह एकजुट होने से क्या हुआ, इसी तरह एकजुट होने से समितियों का विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें अब जैसे हम लोग समुदाय में बात कर रहे थे कि समुदाय की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या समुदाय की जो बेसिक खासियत है वो ये है कि वो निश्चित एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगे,
उसी तरह से जब आपसे कोई समिति की खासियत पूछेगा या जब आप समिति के बारे में जानेंगे तो समिति की जो बेसिक खासियत है वो ये है कि ये पूरी तरीके से हितों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि हितों की पूर्ति के लिए। सबसे हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी समिति का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो समिति बनाई जाती है वो बनाई जाती है हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, हितों की पूर्ति की जाती है और उस जो है इसीलिए समिति को बनाया जाता है। अच्छा, होता क्या है, जनरली समिति छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना, इसकी निश्चित संरचना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है कि एक समिति एक ऐसा समूह है जिसमें सभी लोग मिल करके काम करते हैं। ये अगर कोई एक काम है तो ये सभी लोग इस काम को मिल करके करेंगे, ठीक है, ताकि सभी के हित पूरे हों। यानी सभी लोग एक जैसा मिलकर काम करते हैं, एक साथ सहयोग करते हैं, और जहां पर काम करने का एक तरीका होता है उसे हम समिति कहते हैं, यानी एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ कि भाई किसी की बात नहीं सुनी जा रही है कॉलेज में, तो कॉलेज में सारे बच्चों ने मिलकर के क्या किया, एक गुट बनाया और कहा कि आज से चलो हम अपनी पार्टी, ये हमारी पार्टी है, और चलो हम प्रिंसिपल से चल के सब लोग शिकायत करते हैं, है ना। तो इस तरह की जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है जो चीज बनाई जाती है उसे हम समिति कहते हैं, ठीक है ना, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे हम समिति कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जैसे ही हित पूरे हो जाते हैं समिति को खत्म कर दिया जाता है, समिति को भंग कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। और एक चीज, पहली बात तो यह है कि हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाएगी समिति, जो होगी हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगी कि जैसे ही हित पूरे हो जाएंगे, वंस द इंटरेस्ट बीन फुलफिल्ड, वैसे ही जो एसोसिएशन होगी एसोसिएशन को खत्म कर दिया जाएगा, एसोसिएशन को भंग कर दिया जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, कोऑपरेशन तो हम बता ही रहे थे भैया, यानी कि सभी लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ मिल करके सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन सहयोग होगा, इनमें सहयोग की भावना पाई जाएगी, है ना। और एक तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी इनमें, तीसरी चीज इनमें इंपॉर्टेंट होगी कि इनकी सदस्यता जो होगी, जो उनकी मेंबरशिप होगी, वो पूरी तरीके से वॉलंटरी होगी, उनकी इच्छा पर निर्भर करेगी। भाई अब कॉलेज में लड़कों ने ग्रुप बनाया है ना, कि चलो ये सर पढ़ाते नहीं है और चलो इनकी शिकायत करें चल के प्रिंसिपल से, तो अब उसमें से भैया जो है, मान लो दीपाली ने कहा, पूजा ने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तुम लोग जाओ और हमें नहीं जाना तुम लोग नगरी में। यानी कि जो ये समिति बनी थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था उस टीचर से पढ़वाना, जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है उस टीचर से पढ़वाना, इसका उद्देश्य था। लेकिन अब बाकी सारे लोग तो एकजुट हो गए क्लास के, लेकिन दो लोग एकजुट नहीं हुए, तो क्या ये बाकी लोग जबरदस्ती कर सकते हैं उससे? नहीं कर सकते, क्योंकि समिति की जो सदस्यता है वो पूरी तरीके से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, व्यक्ति चाहे तो आपको ज्वाइन करे और व्यक्ति चाहे तो आपको ना ज्वाइन करे। आप उसके उससे अपनी समिति ज्वाइन कराने के लिए या अपना समूह ज्वाइन कराने के लिए आप उस पर बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक जरूरी चीजें थी समिति की। अच्छा, समिति की भी कुछ जो है विशेषताएं हो सकती हैं, छोटा छोटा समझ लेंगे। पहली बात तो सब आपस में एकजुट रहेंगे, सब आपस में संगठित रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो समिति बनेगी वो हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना यार, ये जो समिति बनेगी वो हमेशा कुछ कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाएगी, और जैसे ही उद्देश्य पूरे हो जाएंगे उस समिति को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, समिति। और तीसरी चीज, ये तो कुछ चीजें हो गई, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि समिति का अपना एक नाम होगा, है ना, और उसका एक प्रतीक होगा, एक सिंबल होगा, ठीक है ना। भाई हमने क्या किया, किसानों के लिए एक यूनियन बनाया और उसका उसका जो मतलब वो है, क्या बोलते, चुनाव चिन्ह, वो बतख है, वो बतख उसके चुनाव चिन्ह है। यानी कि हर एसोसिएशन का क्या होगा, एक प्रतीक होगा,
या जैसे कि हमने कहा कि भाई हमने एक एसोसिएशन बनाई जिसका जिसका जो वो है वो एक फूल है, वो चुनाव चिन्ह, यानी कि इसका एक नाम होगा अखिल भारतीय किसान यूनियन संघ, अखिल भारतीय जो है स्टूडेंट यूनियन, इस तरह से करके, और उसका एक सिंबल भी होगा, है ना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तीसरी एक चीज और हमें देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट, वो ये कि समिति में जो संबंध होंगे, यानी कि समिति में जो रिलेशंस होंगे, वो पूरी तरीके से कैसे होंगे, फॉर्मल रिलेशन होंगे। यानी उसमें कोई किसी से दोस्ती नहीं करने आया है, उसमें वो उसमें कोई किसी से रिश्ता जोड़ने नहीं आया है, बस वो सब किस किस लिए जुड़े हुए हैं, वो सब लोग अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुड़े हुए हैं, और जैसे ही एक बार उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी, वैसे ही उस समिति को भंग कर दिया जाएगा या उस समिति को खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर रिश्ता किस बात का भाई। जैसे ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलो ऐसा करते हैं कि एक किसी कंप्लेन को लेकर सब लोग चलते हैं, अपनी समस्या उठाते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, तुरंत व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, हम लोग सब लोग साथ में मीटिंग वीटिंग किए। लेकिन जैसे ही एक बार वो समस्या पूरी हो गई, जैसे ही एक बार हमारा काम हो गया, हमने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया, हम लोग एक दो अब हम सब लोग अपने अपने घर, यानी जो उसके संबंध होंगे वो पूरी तरीके से फॉर्मल होंगे, उसमें कोई भी इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं पाए जाएंगे, है ना, उसमें कोई भी इनफॉर्मल रिलेशन नहीं पाया जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, आइए, तो समिति समझ में आ गई क्यों जी, समिति समझ में आ गई ना। यस सर, समझ में आ गई। अच्छा, एक अब हम जरा सा यहाँ पर कुछ लिखते हैं और आप लोग उससे थोड़ा थोड़ा बताइए। यहाँ पर हमने लिखा समुदाय और यहाँ हमने लिखा समिति। अच्छा, अब इसको हम बता रहे हैं, बस वो चीजें ध्यान से सुनते जाओगे ना तो देखना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहां हम एक तरफ समुदाय की बात कर रहे थे कि समुदाय में एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, जबकि समिति के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। समुदाय में ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी है, लेकिन समिति में ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी नहीं है। समुदाय का अपना कोई प्रतीक होता है, नहीं होता है, लेकिन समिति का अपना प्रतीक होता है। समुदाय में जो लोग रहते हैं उनके बीच कैसे संबंध होते हैं, औपचारिक की अनौपचारिक, औपचारिक। समुदाय की बात कर रहे हैं यार, समुदाय की समुदाय में संबंध अनौपचारिक होंगे, जबकि हितों की पूर्ति उनका माध्यम रहता है, जाहिर सी बात है। और जब हम समिति की बात करेंगे तो समिति में संबंध पूरी तरीके से औपचारिक होंगे, फॉर्मल रिलेशन होंगे, औपचारिक, है ना। जब हम आपका क्या बोलते हैं, समुदाय, जैसे हमने बताया समुदाय अपने आप विकसित हुए थे, समुदाय को किसी ने बनाया थोड़ी ना था, समुदाय तो लोग रहने लगे समुदाय बन गया। लेकिन समिति समिति जानबूझकर बनाई जाती है, और जानबूझकर क्यों बनाई जाती है, किसी उद्देश्यों की पूर्ति करनी है भैया, है ना, इसीलिए। दूसरी चीज समुदाय, अच्छा समुदाय का आकार जो होता है वो काफी बड़ा होता है। समुदाय में भाई मिनिमम 100-200 लोग तो होंगे ही, तभी तो गांव बनेगा, तभी तो कोई ज्योग्राफिकल एरिया बनेगा, जबकि समिति में 5 लोग भी हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक बार हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, फिर हम समिति को खत्म कर देंगे, लेकिन समुदाय कभी खत्म होगा, समुदाय कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, यानी कि अच्छा आगे देखते हैं। समिति में कोई भी वी फीलिंग जैसी चीज नहीं होती है, यानी यहाँ पर सब दूसरे एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई वी फीलिंग नाम की चीज नहीं होती है, जबकि समुदाय में आपकी वी फीलिंग पाई जाती है, है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। जो समिति होती है वो समुदाय के अंदर आती है, बस एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम रहते हैं वहीं तो समिति बनाते हैं, जबकि समुदाय बड़ा क्षेत्र है और समिति उसके भीतर आती है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे समुदाय और समिति को साथ में मिला मिला के, तो आपको ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज है आज की जो नहीं समझ में आ रही है,
जल्दी से रिवाइज करो और फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा चलो फिर कुछ क्वेश्चन ही बता दो कल वाले जो कल पूछे थे, कल से शुरू करते हैं वापस से और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस और ऐसा करेंगे आज जवाब मत दो, आज अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी टाइप कर दो, टाइपिंग स्पीड तो सबकी है ही है, व्हाट्सएप चला चला के अच्छी हो गई है और टाइप भी कर सकते हो। सर ढूंढना पड़ता है सर। क्या ढूंढना पड़ता है सर? टाइम लग जाता सर। अच्छा चलो तब कोई दिक्कत नहीं, हमें लगा सबकी स्पीड अच्छी होगी। अरे नहीं नहीं ठीक है बोलो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं ठीक है। अरे नहीं नहीं सब लोग बोलो कोई दिक्कत। अच्छा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सर चार्ल्स राइट मिल के। वेरी गुड ठीक है, मिलने दिया था सर सीडब्ल्यू में। सीडब्ल्यू में अच्छा। काजल क्यों माइक म्यूट किया हुआ भाई, तुम भी बोलो, सब लोग जब बोलेंगे तो सबको सबका तैयार होगा, पांच सात को बुक्स हम लोग डेली रिवाइज करेंगे। अच्छा डिवाइन कॉमेडी सर डांटे सर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी रूसो सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? 14 जुलाई 1789। बहुत अच्छे वेरी गुड। अच्छा जी और बताएंगे, सबसे पहले सोशियोलॉजी की बुक कौन सी थी, सोशियोलॉजी की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्या बात है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन टर्म का इस्तेमाल किसने किया था? सर स्पेंसर। सबसे पहले फंक्शन टर्म का इस्तेमाल किसने किया था? फंक्शन प्रकार है शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल स्पेंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब आप हमें किन्हीं तीन नो मार्क्सवादी विचारकों के नाम बता दीजिए, नियो मार्क्सिस्ट के। भले ना सुनाई दे रही है हमें, सबकी आवाज सुनाई दे रही है, सबकी पूजा की भी, मयंक की भी, ग्रामसी जो बता रहा है उसकी भी, सबकी आवाज आ रही है। हाँ बोलो बोलो सर। अच्छा चलो अब रहने दो, ये बताओ फॉर्मल स्कूल क्या मान करके चल रहा था? जब हम फॉर्मल स्कूल की बात कर रहे थे पूजा, तो फॉर्मल स्कूल क्या कह रहा था? स्वरूपात्मक संप्रदाय। हाँ सर जब हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये विशिष्ट स्कूलों के अध्ययन की बात करता है। अच्छा ठीक है। हाँ सर विशिष्ट सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर इसका वो है, मतलब जोर देना है। ठीक है इसके इसके मेन लीडर वेरी गुड बहुत बढ़िया। जॉर्ज सेमेल। हाँ इसके प्रतिपादक। क्या बात है सर, सेमेल है या सेमेल है? सीमेल है, सीमेल। सा सामे छोटी सीमेल। ए की मात्रा, मा मामे ए की मात्रा और ला सीमेल। इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में भी जिमेल होगा। इंग्लिश में हम लोग इन्हें जिमेल बोलते हैं, जिमेल। सर इसको लाउड कर सकते हैं? हम तुमको भेज देंगे, हम तुमको भेज देंगे ठीक है। अच्छा कल हम लोग जब सोशियोलॉजी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे N+1 वाला, वो किसने दिया है? सर सोरोकिन। बहुत ही बढ़िया क्या बात है, तुम लोग तो बहुत काबिल हो गए तीन दिन में। अच्छा व्हाट इज सोशियोलॉजी? सर बस आपका आशीर्वाद। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी बुक थी? यस सर एलेक्स न्यूटन सर। क्या बात है वेरी गुड।
मतलब अब चलो मेहनत हो रही है, ठीक है, बढ़िया है, इसी तरह रटते रहो ना यार, पक्का मजा आ जाएगा। बस रट्टा मारोगे इसी तरह, रटते रहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक दो दो तीन क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, फिर तुम लोग जाओ। यस किन्हीं तीन मार्क्सिस्ट थिंकर के नाम बता दो, या फिर कन्फ्लिक्टरी थिंकर के नाम। सर लेविस कूजर हो गए और लेविस डॉर्फ, डॉर्फ है ना सर, डैरन डॉर्फ। हाँ वेरी गुड। अच्छा पता है इसमें, हाँ इसमें कुछ लोग लुईस कोजर में और लेविस लेविस स्ट्रॉस में कंफ्यूज हो गए हैं, तो हम सर सर आधा ही बोल के रह जाते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसी को तो इसीलिए तो बार बार बुलवाते हैं तुम लोगों से। क्या करना है, सर लेविस है कि लुईस है? लेविस स्ट्रॉस है, लेवी लेविस भी नहीं है, लेवी है, लेवी LEVI, लेवी लेवी स्ट्रॉस है, लेवी सर स्ट्रॉस ना सर, हाँ सर लेवी लेविस स्ट्रॉस लेवी स्ट्रॉस बहुत है ना, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी दिया था वो अलग। अरे कैपिटलिज्म में है ना, क्या बात है मयंक, बहुत बढ़िया, लेवी स्ट्रॉस है ना, यानी कि लेवी स्ट्रॉस है वो लेविस, लेविस नहीं है, सिर्फ लेवी है। हाँ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी दिया मयंक, बढ़िया से बता रहा है एकदम, है ना। लुईस कोजर है और लेविस लेवी स्ट्रॉस है, ध्यान रख, नाम बार बार बोलना, इसीलिए कहते हैं ना नाम बार बार बोलो, और पता है नाम बोलने की बजाय एक काम और करो तुम लोग सब लोग, अब देखो जैसे पूजा बिल्कुल ग्रुप पे एक्टिव नहीं रहती है, काजोल ग्रुप पे एक्टिव नहीं रहती है, अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्हाट्सएप थोड़ा बहुत यूज करते हो तो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे कभी कभार एक दो क्वेश्चन, एक आध कॉन्सेप्ट एक दूसरे से पूछ लिया, यही सारी चीजें, फिर बार बार पूछो, नाम लिखो जिससे कि प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छा हो। खैर अच्छा लगा सबसे बात करके, कल रविवार है, कल के लिए काम आज का और कल का दोनों का हम भेज देंगे, दोनों काम तैयार करके मंडे को ठीक समय पर आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और लिखते पढ़ते रहिए। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, बताएं। ये रिक्वेस्ट सर क्वेश्चन आप पूछिएगा सर, सबसे नाम लेकर सर, ऐसे में हॉश पॉश हो जाता है, तो कोई जो बोलता है वो आधा आधे में रुक जाता है सुनो, सर ऐसा करिए, अरे सब बोलते नहीं हैं तो तो पता, ऐसे हो नहीं पाता, अच्छा नहीं सर ठीक है तो पूछते हैं, ठीक है ठीक लेकिन ठीक है ठीक है, यस सर इसमें हम फर्स्ट, हम फर्स्ट हो गए, क्या सर ऐसे भी हो जाता है कि हमारे पास इसके लिए एक बढ़िया सर रह जाते बीच में रह जाते सर, हम बोल नहीं पाते, हमारे पास इसके लिए एक बढ़िया मैं विकल्प, क्लास के मॉनिटर, मयंक को क्लास का मॉनिटर बना दो, मयंक वैसे भी अपने क्लास का मॉनिटर है, जहाँ मतलब मयंक हमारा स्टूडेंट है कॉलेज में भी, वहाँ भी भैया मॉनिटर ही है एक हिसाब से, तो सही है, यहाँ का भी मयंक, अब तुम आज से यहाँ के भी मॉनिटर हो गए, पूजा ने बता दिया, तो ठीक है कल मिलते हैं, तब तक परसों मिलते हैं मंडे को, तब तक ध्यान रखो सब लोग और लिखते पढ़ते रहो, है ना, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।